कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को आप अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो मोटिवेटेड हैं सेटिस्फाइड हैं तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वहाँ पर होगा लेकिन अगर आपके यहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ सही से मैनेज नहीं है उनको नहीं पता है कि उनका क्या टास्क है उनको क्या अचीव करना है उनकी परफॉर्म परफॉर्मेंस पुअर है उनको वेल well मोटिवेटेड नहीं है सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है वो पुअर हो जाती है उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है तो इंप्लॉइज को मैनेज करने के लिए पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एम अप्रोच जो है वो दिया था तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव यानी कि आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो या कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी ऑब्जेक्टिव कहलाती है यानी कि एम क्या है गोल क्या है क्लियर और मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि टू मैनेज और टू ऑर्गेनाइज और टू कंट्रोल समथिंग किसी चीज़ को कंट्रोल करना ऑर्गेनाइज करना या फिर उसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर क्या हो रहा है

काम आप करेंगे ये काम आप करेंगे तो इससे क्या होता है कि एक तो जो भी रोल होता है वो क्लियर होता है कि कौन से एम्प्लॉय को क्या परफॉर्म करना है और जब उस एम्प्लॉय को यह पता होगा कि उसको क्या परफॉर्म करना है तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल होगा तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सेटिस्फाई होगा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी इंक्रीज होगी चाहे वो एम्प्लॉय की हो चाहे वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की हो तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देकर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देकर गोल देकर जो है यहाँ पे एम्प्लॉय को मैनेज किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा रहा है क्लियर तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द एम्प्लॉयज सो दैट दे नो वॉट दे आर सपोज टू डू एट दर्क प्लेस तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम गोल सेट करते हैं जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल

अप्रोच को हम गोल सेटिंग अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल सेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और फिर जो है उनको मॉनिटर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं या फिर हम इसको वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू या फिर मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहते हैं क्लियर तो एम बी अप्रोच को हम गोल सेटिंग अप्रोच भी कह सकते हैं वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू भी कह सकते हैं और मैनेजमेंट बाई प्लानिंग देखिए वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू मतलब समझे कि वर्क प्लानिंग यानी कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा आपने ये प्लान किया यानी वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू यानी कि उसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर भी करते हो कि जो आपने एम्प्लॉइज़ को टास्क दिया है जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप उसको रिव्यू भी करते हो क्लियर तो वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू तो ये जो अप्रोच है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अप्रोच को पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपने बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में जो है इसको कोइन किया था द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट यूज्ड बाय या फिर आप कोइंड बाय कह सकते हैं पीटर एफ ड्रकर इन हिज 1954 बुक टाइटल द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ओवर ऑल क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आप एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल सेट करते हैं और उसके बाद फिर उनको मॉनिटर करते हैं उनको रिव्यू करते हैं वही चीज़ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव हो गया तो मैं एम बी यू डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प दैम चॉक आउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एम बी अप्रोच में क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल और रिस्पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करते हो सेट करते हो उसको डिफाइन करते हो और जब आप सभी एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि इनकी क्या रोल्स इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो कहीं भी कोई क्लैश नहीं होगा कहीं पे भी उनको कोई डाउट नहीं होगा और वो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली परफॉर्म कर सकते हैं और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं MBO guides the employees to deliver टू डिलीवर best लेवल बेस्ट एंड अचीव within टारगेट stipulated time frame. स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तो एम बी ओ जो है वो गाइड करता है एम्प्लॉय को कि उनको क्या काम करना है और वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सकें और जो है अपने जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो अपने काम को कम्प्लीट कर सकें यह एम बी ओ के जरिए ही तो पॉसिबल होगा क्योंकि जब एम बी ओ आप करते हैं यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सभी इंप्लॉयज़ को उनके रोल उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियरली पता होता है और जब उनको चीज़ पता होगी तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे पाएंगे और साथ ही साथ जो उनका टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम में आपके ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉज के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सकेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी वो अचीव करते हैं क्लियर तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस क्या होगा यानी कि क्या स्टेप्स होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो मेन फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यानी कि डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है पहले आप उसको डिफाइन करिए उस गोल के अकॉर्डिंग यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए आप जो है ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे यानी कि टास्क या फिर गोल जो है अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए आप सेट करते हैं डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही आपको एम्प्लॉय के गोल को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा उसके बाद फिर आप जब सेट कर देते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता देते हैं उसके बाद फिर आपको जो यानी कि जो मैनेजर है उसको मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को यानी कि कौन सा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है आपने कहा है किसी को कि एक हफ्ते के अंदर आपको जो है है काम करना है, तो आपको अब आप उसको मॉनिटर भी करना होगा डेली यानी कि आज उसने कितना काम किया दो दिन बाद कितना काम किया तीन दिन बाद कितना काम किया तभी तो आप जो है उसको गाइड कर पाओगे मॉनिटर कर पाओगे नहीं तो पता चला सात दिन से ज्यादा हो गए उसने काम को किया ही नहीं है तो आपको कंटिन्यूस बेसिस मॉनिटर करना है उसकी परफॉर्मेंस को उसकी प्रोग्रेस को किसकी इंप्लॉय को आपने जो भी इंप्लॉय को टास्क

जो भी फीडबैक रहा होगा उसको आपको उसको बताना है उसके ड्रॉबैक्स बताने उसकी कमियाँ बताने उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस सारी चीज़ें आपको जो है उसको कम्युनिकेट करनी होती हैं क्लियर कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और वहीं पर फिर आपको उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेज भी करना है परफॉर्मेंस को यानी कि उस एम्प्लॉय ने जिस भी तरीके से परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेजल भी वहाँ पे देना चाहिए तो ये जो है पूरा एम प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप पहले डिफाइन करेंगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव गोल है उसके बेसिस पे इंप्लॉई को ऑब्जेक्टिव यानी एम्प्लॉय को टास्क देंगे आप असाइन करेंगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे उसको मॉनिटर करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को प्रोग्रेस को कंटिन्यूस बेसिस पर मॉनिटर करेंगे फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस रिवेल्यूएशन करेंगे देन जो है आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और फिर आप जो है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको रिवॉर्ड या फिर एवराइज करते हैं क्लियर ये जो है एमबीओ प्रोसेस होता है तो बात कर ले कि एडवांटेज या फिर नीड या फिर इंपॉर्टेंस क्या है एम बी ओ अप्रोच का मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव अप्रोच का तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया कि हेल्प द एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज़ एट द वर्क प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम बी ओ अप्रोच का अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनके क्या गोल हैं उनके क्या रोल है उनके क्या रिस्पॉन्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं तो जब आपको ये चीज़ें क्लियरली पता होंगी तो आप जो है कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करोगे क्लियर द एम्प्लॉयज आर क्लियर एज टू वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम तो एम्प्लॉयज को यहां पे ये पता होता है कि उनसे क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को वो सारी चीजें यहां पे क्लियर होती है अप्रोच में हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एम पी ओ अप्रोच है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है भाई एम बी ओ अप्रोच में आप जो है एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो तो आपको जो है पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप परफॉर्मेंस इवालुएशन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेज कर सकते हो लीड्स टू सेटिसफाइड एम्प्लॉज इट एवॉइड्स जॉब मिसमैच एंड अननेसेसरी कन्फ्यूजन लेटर ऑन तो एम बी ओ अप्रोच में सभी एम्प्लॉयज़ को पता है कि उसकी क्या रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो कहीं पर भी कोई मिसमैच नहीं होता है और एम्प्लॉय भी क्या होता है वो सेटिस्फाई होता है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता और जब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा उसको पता होगा कि उसको क्या करना है तो सही तरीके से सही समय पर अपने काम को कंप्लीट कर लेगा तो वो सेटिस्फाई भी होता है और उसको रिवॉर्ड भी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिल रहा होता है तो वो सेटिस्फाइड होता है लीड्स टू हाईली मोटिवेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉ एमबी अप्रोच में क्या होगा कि हाईली मोटिवेटेड और कमिटेड एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है काम को सही तरीके से करेंगे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो मोटिवेटेड भी फील करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो और मोटिवेटेड फील करते हैं और कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर तो ये कुछ एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस हो गए एम अप्रोच के तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस में कि आपको तीन चार चीजें जरूर लिखनी है पहली चीज कि पर क्लियर क्लियरली मैंसन होता है कि, कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है सेटिस्फाइड होता है कमिटेड होता है अपने वर्क को लेकर परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में हेल्प करता है एम अप्रोच कम्युनिकेशन को और यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है क्योंकि जब आप एम करते हो तो वहां पर आप जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हो हर इंप्लॉय को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है तो यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन भी जो है इंप्रूव होता है हर इंप्लॉय को आप जो है उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हो उसके टास्क बताते हो तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पे क्या होता है इंप्रूव होता है यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग